बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स हमने स्टार्ट किया था और आज हमने पढ़ना है इवन ऑड और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। ठीक है, तो इवन नंबर, सबसे पहले इवन नंबर की डेफिनेशन, ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम जो दो के जो 2 नंबर्स है उस वो से कम्प्लीट डिवाइड करता हूँ नंबर्स को, उनको जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 2 के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, फॉर नंबर 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये तमाम नंबर में हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं और 2 कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है और कोई रिमाइंडर नहीं रहता, तो ये तमाम के तमाम क्या करेंगे, इवन नंबर। और नंबर कौन से हैं, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जिनको 2 पर हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, और वो कौन से, 1, 3, 5, 7, 8, 1। प्राइम नंबर, ए नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ठीक है, एक है 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर। ऐसे नंबर, ऐसे कुदरती नंबर, नेचुरल नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हों, एक फैक्टर उसका 1 हो और एक फैक्टर इटसेल्फ वो खुद जो हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमारे पास मौजूद है 2, ठीक है, तो इसके कौन से फैक्टर है, 1 और 2। इस तरह 3 के फैक्टर कौन से है, 1 और 3। 4 इसके फैक्टर है 1, 2 और 4। ठीक है, 1 भी डिवाइड होता है, 2 भी डिवाइड हो सकता है और 4 जो इट्स है 4 भी उसमें डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो 6 है वो कौन से, 1, 2, 3 और 6। तो यहाँ पर जो 2 और 3 होंगे ये प्राइम नंबर होंगे और 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सिर्फ वही प्राइम नंबर हो सकते हैं जिसके 2 ही फैक्टर हो, कौन कौन से, एक 1 फैक्टर हो और एक इटसेल्फ। ठीक है, और दूसरे कौन से थे, वो खुद अगर जो हो वही प्राइम नंबर होते हैं और बाकी नहीं होते। 2 इज स्मॉलेस्ट नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर को सेट के फॉर्म में लिखें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 2 होगा, और 2 वो वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं है, बाकी तमाम के तमाम ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर एंड इट इज ओनली 1 इवन नंबर। ठीक है, बाकी जो प्राइम नंबर है वो 3, 5, 7 है, और अदर अबव नंबर जो अगर हम बाकी नंबर्स की बात करें 4, 6, 8, 9 एंड 10 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो इनके जो फैक्टर अगर हम बनाएं तो 4 के 1, 2 और 4 बनते हैं। ठीक है, इस तरह सिमिलरली 6 का है 1, 2, 3, 6, 8 है तो 1, 2, 4 और 8, तो इन तमाम के क्या होते हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, तो ये तमाम क्या कहलाएंगे, ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, हैंस दे आर नॉट प्राइम नंबर। नोट दैट 2, 3, 5 एंड 7 आर द 4 प्राइम नंबर्स लेस दैन 10। ठीक है, तो 10 से नीचे नीचे जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से हैं, 2, 3, 5 एंड 7। प्राइम नंबर समझ आ गई, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही बनते हो, एक 1 फैक्टर हो और एक इटसेल्फ। ठीक है, बाकी तमाम नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते होंगे वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, और ये स्टार्ट होते हैं 2 से। ठीक है, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। ठीक है, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, और 2 हमारे पास जो 2 है वो वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं। कंपोजिट नंबर, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिस तरह अगर हम 4 की बात करें तो इसका 1 फैक्टर भी है, 2 भी है और 4 भी है। ठीक है, हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इवन नंबर, प्राइम नंबर सिर्फ 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है, और मोस्टली ज़्यादातर ऑड नंबर हैं वो भी प्राइम नंबर हैं। तो अब डिफरेंस क्या होगा ऑड और प्राइम नंबर्स के अंदर, 9, 5, 9, 15 एंड 21 आर ऑड नंबर्स बट नॉट प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब 9 हो गया, 15 हो गया और 20 ये ऑड नंबर्स हैं लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, उसकी वजह क्या है कि इनके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा है। और 1, 3, 5 एंड 7 आर ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर्स, और 1, 3, 5 एंड 7 ये ऑड नंबर्स नहीं है और प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ऑड नंबर्स वो तमाम ऑड नंबर में वो तमाम नंबर आ जाते हैं जिनके ऊपर जो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर में वो नंबर आएंगे, प्राइम नंबर में हम चेक करते हैं फैक्टर के लिहाज से। ठीक है, और ऑड नंबर को हम चेक करते हैं 2 के साथ डिवाइड के लिए रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर वो डिविजिबल बाई 2 होंगे तो वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, और नॉट डिविजिबल बाई 2 होंगे तो वो ऑड नंबर होंगे। लेकिन प्राइम नंबर के अंदर हम उसके फैक्टर देखेंगे, अगर जिसके फैक्टर 2 ही बनते हो, एक 1 वाला फैक्टर और एक इटसेल्फ वाला, तो वो प्राइम नंबर होंगे, और अगर उससे ज़्यादा फैक्टर बनते होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9, 15 और 21 ये हैं तो ऑड नंबर, लेकिन ये अब प्राइम नंबर नहीं होंगे, किसी वजह क्या है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इवन नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो इवन नंबर सिर्फ जस्ट 2 एक इवन नंबर था जो कि प्राइम नंबर है, बट
और बाकी जितने भी हैं ये कंपोजिट नंबर, बाकी जितने भी हैं वो तमाम इवन नंबर को कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इवन नंबर उसकी प्रॉपर्टी है डिविजिबल बाय टू, और कंपोजिट नंबर उसकी प्रॉपर्टी है बाय फैक्टर। ठीक है, अगर उसके एक से ज़्यादा फैक्टर, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ दो ही ऐसा डिजिट है जो इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। इट इज़ ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन टू, हमारे पास ओनली प्राइम नंबर है जो इवन है, ऑल द अदर प्राइम नंबर आर ऑड नंबर्स। ठीक है, इस तरह बाकी 4, 8, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये तमाम के तमाम क्या है, ये इवन नंबर्स भी हैं और कंपोजिट नंबर भी हैं। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स आर द प्राइम्स आर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस ऑफ टू। ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर्स को पेयर्स की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो ट्विन प्राइम्स के बाद ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके दरमियान डिफरेंस आ जाता है वो टू का आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3, 5 है तो इनके डिफरेंस भी टू का है, 5, 7, 11, 13, 17, 9। ठीक है, अब हमने प्राइम नंबर्स को पेयर्स की फॉर्म में लिखा और जो डिफरेंस था वो दो दो का था, इसलिए हम इसको ट्विन प्राइम्स का नाम देते हैं। प्राइम ट्रिपलेट, तो इन द ओनली नॉन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम ट्रिपलेट 3, 5, 7, सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट में आ जाता है और वो कौन सा है, 3, 5, 7। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो इनको पेयर्स की फॉर्म में नहीं, हमने इसको तीन नंबर्स को इकट्ठा लिखा और तीनों के दिमाग डिफरेंस है वो दो का है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं उनको में दो का डिफरेंस नहीं आता। जिस तरह अगर हम बात करें 11, 13 और 17, 11, 13 में तो दो का डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन 13 और 17 में हमारे पास 4 का डिफरेंस है। तो प्राइम ट्रिपलेट के अंदर हमारे पास सिर्फ वन ही पेयर्स बनते हैं और वो कौन से, 3, 5 और 7।